अच्छा, स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है। हेलो, जी मैम, स्क्रीन शेयर है। जी मैम। जी मैम, स्क्रीन शेयर है। अच्छा, फर्स्ट जो सॉरी फर्स्ट सेक्शन के साथ जो था मैंने ये लेक्चर लिया है, ठीक है, और सेकंड के साथ मैंने नहीं ली, तो आज हम जो है फ्लेम फोटोमीटर दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है, रिपीट करेंगे। सही है। तो सबसे पहले व्हाट इज फ्लेम फोटोमीटर? एनीवन फ्रॉम सेक्शन ए? मोहसिन सेक्शन ए क्यों वाले है? व्हाट इसमें इज फ्लेम? नहीं। अच्छा, सिर्फ सेक्शन बी वाले हैं, ठीक जी है, ओके ओके। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर क्वांटिटी ऑफ सर्टेन मेटल्स सच एज सोडियम Na, पोटाशियम के एंड लिथियम Li एटसेट्रा। कि जो हमारे हमने पढ़ा कि नॉर्मली हमारे बॉडी में जो है सोडियम भी होता है, पोटाशियम भी होता है और लिथियम भी होता है, ठीक है। इसकी क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए जो प्रिंसिपल यूज होते हैं, जो मशीन होती है, ठीक है, हम आज उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पता है कि सोडियम हमारे बॉडी कहाँ पे होता है? क्लास सोडियम कहाँ पे होता है? सारे मैं बॉडी में होती है, बॉडी में मुझे पता है कि बॉडी ब्लड कहाँ पे होता है, क्या काम करता है? ब्लड में होते हैं, सोडियम बोन में होता है। अच्छा, ब्लड में फंक्शन इसका दे, फंक्शन फंक्शन इसका क्या है? मैम द प्लाज्मा की भी मसरप ब्लड की और इलेक्ट्रोलाइट स्टोरूम इलेक्ट्रोलाइट नोर बो वाहिद तो हुई मैम, उसका वाहिद बो हुई। अच्छा बता बता सुनन मातवाए। बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएंसी राशि नुसक नीगी ब्या सब प्रॉब्लम जुड़ी देशी। फ्री वीकनेस राशि में होता है, जैसे बोन की जो आयरन हार्ट इलेक्ट्रोलाइट की, बोन की कमजोरी राशि या हम ब्लड इलेक्ट्रोलाइट कमी आवाज राशि। क्लियर न दे, आवाज क्लियर नहीं है, प्लीज रिपीट करें। मैम डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, गुड, इलेक्ट्रोलाइट्स है जो। बिल्कुल डिहाइड्रेशन की। हाँ, द यस इलेक्ट्रोलाइट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज अमंग द बॉडी, सही शो। अच्छा, जी मैम, प्रिंसिपल क्या है? ये जो फ्लेम फोटोमीटर है, मेटल इज हीटेड इन द हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम, इट एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट हाई एनर्जी ऑर्बिट और एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी इज एमिटेड एज एनर्जी। सच एलिमेंट प्रोड्यूसेस द लाइट ऑफ स्पेसिफिक कलर वेवलेंथ, द इंटेंसिटी ऑफ दैट कलर प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी। ये देखें, ये डायग्राम सबको दिखाई दे रही है। यस मैम। अच्छा, ये है कंप्रेस्ड फ्यूल सप्लाई। सबसे पहले आप ये जो डायग्राम है ना, इसको समझें, ठीक है, ये जो डायग्राम है इसको समझें। अगर आपको समझोगे तो जो सारा प्रिंसिपल है और जो इसके सारे कंपोनेंट्स है, सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कंप्रेस्ड फ्यूल सप्लाई है। एरो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से जो है फ्यूल सप्लाई है, ये है कंप्रेस्ड एयर सप्लाई, ये है सैंपल, ठीक है, ये है कैपिलरी ट्यूब, इसके बाद मिक्सिंग चैम्बर, यहाँ पे फ्लेम, लेंस, स्लिट, फिल्टर, फोटो डिटेक्टर और एम्पलीफायर, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सक्शन होती है वो सैंपल की सक्शन कैपिलरी ट्यूब से हो जाती है, लेकिन सक्शन से पहले हम पहले क्या करते हैं, उस कैपिलरी ट्यूब की जो है कैलिब्रेशन करते हैं, या फिर उसको 1-2 मिनट के लिए, या 1 मिनट के लिए ऑन रखते हैं, ताकि इस कैपिलरी में अगर कोई एयर बबल बना हो या कोई और चीज हो, ठीक है, वो क्या हो जाए, वो खत्म हो जाए। जब यहाँ से सैंपल सकिंग होती है तो वो यहाँ पे आ जाती है मिक्सिंग चैम्बर में, वहां पे मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। उस मिक्सिंग के बाद वो जो रिएजेंट होती है या वो जो सैंपल होता है, ठीक है, वो उस फ्लेम के थ्रू जो है लेंस पे, फ्लेम फ्लेम का मतलब है, ये है कि फ्लेम पे वो अपना कलर शो करता है, ठीक है। कौन कौन से कलर है इसमें? इसमें है रेड कलर, येलो कलर, वोलेंट कलर, ऑरेंज कलर एंड पेल ग्रीन कलर। रेड कलर स्टैंड फॉर लिथियम, येलो कलर स्टैंड फॉर सोडियम, वॉयलेट कलर फॉर
स्टैंड फॉर पोटाशियम, ऑरेंज फॉर कैल्शियम, एंड पेल ग्रीन फॉर बेरियम। इसके साथ इसकी अपनी जो है वेवलेंथ भी होती है 67, 85, 89, ये सब इसकी वेवलेंथ है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेड कलर हमें शो हो रहा है तो वो क्या शो कर रहा है, वो लिथियम को शो कर रहा है। वो लेड कलर जो है, रेड कलर जो है लेंस पे पड़ेगा, लेंस के थ्रू जो है वो इस फिल्टर पे क्या होगा, शो होगा। फिल्टर के थ्रू जो है फिर वो फोटो डिटेक्टर पे रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो गलवानीमीटर या एम्पलीफायर या एलसीडी या एलईडी पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, समझ आ रही है सबको? जी मैम, ये जो इसका प्रिंसिपल है ना, ये जो इसका प्रिंसिपल है, ये डिफरेंट जो मशीन है सब में सेम है, लेकिन जो उनकी मैंने कहा कि जो प्रिंसिपल होता है वो सारे मशीनों का जो है सेम होता है, लेकिन उसमें फिर फर्दर ऑटोमेशन होती है। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो वो किस प्रिंसिपल के थ्रू काम कर रहे हैं, फ्लेम फोटोमीटर के थ्रू काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी जी तरह मैं ये मैम रिपीट कर रहा हूँ। जी जी बोले जी तसो पल खबर हो बोले। गई। अच्छा, मैं रिपीट करना चाहूंगी, जब हम मशीन को ऑन करते हैं 1 to 2 मिनट के लिए, ठीक है, सबसे पहले हम उसकी कैलिब्रेशन करते हैं। कैलिब्रेशन किसके थ्रू करते हैं, स्टैंडर्ड के थ्रू करते हैं। स्टैंडर्ड हमारे पास वो चीज़ जो वो रिएजेंट या फिर वो हाँ रिएजेंट होती है जो कि किट में अवेलेबल होती है, कंपनी से आई होती है, उसके थ्रू हम कैलिब्रेशन करते हैं मशीन को, मशीन से एरर हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मशीन को जीरो पे ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम सैंपल को रन करेंगे तो ये सैंपल की यहाँ पे सेक्शन होगी, यहाँ पे कंप्रेस एयर सप्लाई है और यहाँ पे फ्यूल सप्लाई है। ये जो सैंपल आएगा यहाँ इस जगह पे इसकी मिक्सिंग होगी और इसके बाद जो है वो फ्लेम पे शो होगा। अगर सैंपल जो है हमारे पास सोडियम है, सोडियम का हम मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे येलो कलर की फ्लेम शो होगी। येलो कलर की फ्लेम जो है लेंस पे पड़ेगी। ठीक है, लेंस के बाद वो स्लिट पे जो है एक जगह पे आएगी, स्लिट पे जब एक जगह पे आएगी तो इसके बाद वो फिल्टर पे पड़ेगी। फिल्टर पे वो फिर फर्दर जो है येलो कलर शो होगा। उसके बाद फोटो डिटेक्टर, और फोटो डिटेक्टर के बाद जो है वो गैल्वेनोमीटर या एम्पलीफायर पे हमें शो हो जाएगा कि सोडियम की क्वांटिटी कितनी है। सोडियम की क्वांटिटी हमारे पास 589 है। ठीक है, अगर लिथियम है तो 670 के इर्द गिर्द आएगा। तो इसी तरह से हमारे पास क्या शो होता है, ये जो इनकी क्वांटिटी है इलेक्ट्रोलाइट की, ये हमें शो हो जाती है। ठीक है जी जी साबिर, आप क्वेश्चन करें। जी मैम, माविदा कुम दी प्रोसेस न बाद मुंग तो चुकुम रिजल्ट या कलर दे या क्वांटिटी रब टोले मुंग तो बती एलसीडी द डिस्प्ले में नहीं शो की हाँ, गुड क्वेश्चन। रिजल्ट बमुंग देखिए दी ना हम रख लूं। बिल्कुल बिल्कुल गोरा का ना चिदी प्रिंसिपल यो दे हो, सब मशीन की सिर्फ कलर शो की गई, सब मशीन की चिदी दा वेवलेंथ शो की गई। ठीक शो सके धुआं शो की गई। ठीक शो को ज्यादातर मशीन की चिदी से शो की गई, वेवलेंथ शो की गई। ठीक दा, वेवलेंथ जी मैम, जी थैंक यू। अब नेबुलाइजर है, नेबुलाइजर का क्या काम है? नेबुलाइजर का ये काम है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फ्लेम फोटोमीटर। ठीक है, प्रोवाइड स्टडी फाइंड स्प्रे ऑफ यूनिफॉर्म साइज ड्रॉपलेट ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन एंड जो है एयर एंड डिप इन द सॉल्यूशन, दिस इज नेबुलाइजर। दिस इज दे देखिए, ये नेबुलाइजर है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसकी सक्शन होती है। ठीक है, हमें एक ड्रॉप चाहिए, दो ड्रॉप चाहिए, तीन ड्रॉप चाहिए, तो इसके थ्रू जो है क्या हो जाती है, सक्शन सक्शन जो है नेबुलाइजर के थ्रू हो जाती है। ठीक है, अब जो है बर्नर का क्या काम है, बर्नर स्पेशल डिजाइन गैस बर्नर सीरीज ऑफ फॉल्स इज यूज्ड, ब्लू कॉन्स प्रोड्यूस विद येलो स्ट्रिक्स, टेम्परेचर जो है इसका 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, O2 और गैस मिक्सचर टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड में भी अचीव, और जो प्रोपेन गैस इसमें यूज होती है या फिर सुई या नेचुरल गैस, मतलब ये देखिए ये बर्नर है। ठीक है, बर्नर में हमारे पास छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिसके थ्रू जो है हमारे पास फ्लेम प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये याद रहे कि जो फ्लेम प्रोड्यूस होगा वो येलो कलर का नहीं होगा, वो ब्लू स्ट्रीक्स का होगा। ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है सबको? जी मैम, जी, सुन रहे हैं। फिर इसके बाद है वेवलेंस सिलेक्टर, अप्रोप्रिएट फिल्टर और मोनोक्रोमेटर। ठीक है, फिर रिफ्लेक्टर, ये देखें
वेवलेंथ सेलेक्टर है यहाँ पे, जो लेंस है ना ये वेवलेंथ सेलेक्टर है हमारे पास, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टर और फोटो डिटेक्टर है, ये फिर जो है स्लिट जो है ये रिफ्लेक्टर है, और ये क्या है, फोटो डिटेक्टर है, ठीक है। फोटो डिटेक्टर का मतलब जो फोटो को डिटेक्ट करके लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर आउटपुट डिवाइस है गैल्वेनोमीटर और डिजिटल डिस्प्ले कंसिस्टिंग ऑफ एलईडी, ये देखें एलसीडी है, इस पे हमारे पास फिर फर्दर शो होता है। ये लेक्चर इतना मुश्किल नहीं है, इससे पहले हमने जो कौन सा लेक्चर पढ़ा है बताएं। हेलो, इससे पहले तो हमने वेट बैलेंस पढ़ा था, उससे पहले भी उससे पहले पे हमने पढ़ा था कलरोमीटर। कलोरीमीटर पढ़ा था, जी ठीक है। हाँ कलोरीमीटर सेम एज इट, उसकी तरह ही ये भी है, ठीक है। तो अभी देखें हम इसको ऑपरेट करें कैसे करेंगे। सबसे पहले हम डाइल्यूशन बनाएंगे, सबसे पहले हम डाइल्यूशंस बनाएंगे, ठीक है। डाइल्यूशन कैसे बनाएंगे, अगर हमारे पास सीरम है वो बहुत ज्यादा विस्कस है, तो हम फर्दर उसको जो है रिएजेंट के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है। जो रिएजेंट हमारे पास जो कंपनी के जरिए जो है आती है, ठीक है। तो उस रिएजेंट के साथ उसकी मिक्सिंग करेंगे, डाइल्यूशन बनाएंगे। अगर विस्कस सोल्यूशन है तो उसको जो है फर्दर जो डाइल्यूट करेंगे उसको थोड़ा, उससे जो गाढ़ापन है ना वो खत्म करेंगे, ठीक है। प्रिपेयर अप्रोप्रिएट डाइल्यूशन सीरम और प्लाज्मा, या तो सीरम से करेंगे या फिर प्लाज्मा से करेंगे, दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ये देखिए, हायर डाइल्यूशन आर रिक्वायर्ड फॉर विस्कस सोल्यूशन। जो हायर डाइल्यूशन मतलब ये कि अगर विस्कस सोल्यूशन बहुत ज्यादा विस्कस है, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मा है, ठीक है, अगर वो तो बहुत ज्यादा विस्कस होता है, तो हमने उसकी फर्दर क्या बनानी होती है, डाइल्यूशन बनानी होती है। उसके बाद जो है स्विच ऑन दी मशीन, अच्छा फिर जब स्विच ऑन करेंगे तो कंप्रेसर ऑन होगा, ऑन होगा तो उससे जो उसमें जो कैपिलरी ट्यूब में एयर बबल्स है वो खत्म हो जाते हैं। ओपन द गैस वॉल्व एंड इग्नाइट द फ्लेम, ठीक है। एडजस्ट द एयर एंड गैस टू यील्ड द ब्लू कॉन्स ऑफ फ्लेम, डिप द आउटर एंड ऑफ द नेबुलाइजर कैपिलरी इन डीआयोनाइज्ड वाटर एंड, अच्छा ऑपरेशन में सबसे पहले ये चीज, इस चीज का ख्याल रखना है कि हमने डीआयोनाइज्ड वाटर लेना है। डीआयोनाइज्ड वाटर क्यों लेना है, एनी वन अबाउट डीआयोनाइज्ड वाटर के बारे में कौन कौन जानते हैं बताएं प्लीज। ऐसा जो हेलो, हमारे साथ वो वाटर जो जिसमें बहुत मुख्तलिफ आयन और जो साफ पानी ना हो उसको आयोनाइज पानी कहते हैं, और अगर साफ हो तो उसको डीआयोनाइज वाटर कहते हैं। वो डीआयोनाइज में क्या नहीं होता बताएं। इसमें जो आयन होते हैं वो हम मिटाने के लिए उसको हम डीआयोनाइज करते हैं। हाँ, इसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे डीआयोनाइजेशन। डीआयोनाइज्ड वाटर वो होता है जिसमें ना सोडियम वॉटर होता है ना पोटाशियम होता है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट उसमें प्रेजेंट नहीं होता, वो जो है सारे आयन से क्या होता है, पाक होता है, ठीक है। कोई भी आयन उसमें नहीं होता, ठीक है। अच्छा फिर जो क्यों क्यों इसमें डीआयोनाइज्ड वाटर क्यों यूज करेंगे बताएं। टेप वाटर क्यों नहीं यूज कर सकते, डीआयोनाइज्ड क्यों। नहीं, टेप वाटर से तो फिर हमारे रिजल्ट में बहुत इशू आ सकते हैं। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, जो आयन है, वो आपस में रिएक्शन करते हैं और हमारे साथ रिजल्ट में डिस्टरबेंस आता है, फिर रिजल्ट प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, गुड गुड, सही आंसर है, ठीक है। तो इंटर द अप्रोप्रिएट फिल्टर और सेलेक्ट द रिक्वायर्ड वेवलेंथ, हमने ये तो अप्रोप्रिएट फिल्टर जो है वो इसमें डालनी पड़ेगी, ठीक है, और या जो है वेवलेंथ को सही तरह से सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। एडजस्ट डिस्प्ले टू जीरो जीरो, इसको जीरो पे ले आएंगे, वो किस वाटर से, वो डीआयोनाइज्ड वाटर से, ठीक है। कैलिब्रेशन करेंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, जो मैंने स्टार्ट में डायग्राम में बता दिया था, ठीक है। रिजल्ट विद डीआयोनाइज्ड वाटर, टेस्ट सोल्यूशन एंड रीड द एब्जॉर्बेंस, क्लीन विद डीआयोनाइज्ड वाटर, क्लोज गैस सप्लाई, स्विच द कंप्रेसर एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड रिजल्ट, रीड द रिजल्ट, ठीक है। तो जो प्रोसीजर है उसमें हमने दो तो तीन बातों का ख्याल रखना होगा, ठीक है। सबसे पहले जो कैपिलरी ट्यूब है उसमें से जो एयर बबल्स है वो हटाने पड़ते हैं, ठीक है। सेकेंडली जो है डीआयोनाइज्ड वाटर से इसको जीरो पे ले आना होगा, और कैलिब्रेशन इसकी करनी पड़ेगी। कैलिब्रेशन क्यों करेंगे बताएं। इसको जीरो पे आना, इसका जो रिजल्ट है वो फिर प्रॉपर नहीं आएगा, हमने इसको जीरो पे लाना है ताकि हमारे साथ जो रिजल्ट है वो स्टार्ट से आखिर तक सही रिजल्ट आ जाए, ताकि हमें सही पता चले। और बताएं।
अच्छा, जो फ्लेम है उस बस पे, उससे जो है जो येलो कलर के कॉर्ड्स है वो हटाने होंगे, ठीक है, और जो ब्लू कलर के कॉर्ड्स है उसके बाद फिर हमने जो है टेस्ट की एब्जॉर्बेंस करनी होगी, ठीक है, जो सैंपल है उसकी एब्जॉर्बेंस करनी होगी, ठीक है। अच्छा, अब है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन में डीआयोनाइज्ड वाटर यूज करना है, अवॉइड एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब ये कि गैस को बहुत ज्यादा नहीं प्रोड्यूस करने, ठीक है। अगर वहां पे जो है गैस सप्लाई है तो मशीन कर बंद करने के बाद जो है हमने जो गैस सप्लाई है वो भी बंद करनी पड़ती पड़ेगी और अपना ख्याल भी रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस गैस सप्लाई जो है वो स्वी गैस है, ठीक है, शुड बी डेली चेक फॉर एनी लीकेज एंड क्वांटिटी ऑफ गैस। जो गैस सप्लाई है उसको डेली बेसिस पे चेक करना है के अगर किसी जगह पे लीकेज है तो उसको फिर ठीक करें। बर्नर शुड बी क्लीन पीरियोडिकली टू रिमूव डिपॉजिट सॉल्ट एंड प्रोटीन एंड आल्सो निबुलाइजर, ठीक है। निबुलाइजर का जो कैपिलरी ट्यूब है उसको डेली बेसिस पे चेक करना है, ठीक है। अगर कैपिलरी ट्यूब में कहीं पे बब या कहीं पे जो एब्जॉर्प्शन हुई है वहां पे तो वो उस जो कैपिलरी ट्यूब है उसको एक्सचेंज करना है। चेंज द कैपिलरी ट्यूब कंप्रेसर शुड बी चेक पीरियोडिकली फॉर दियर प्रॉपर फंक्शन। और कंप्रेसर को भी जो है पीरियोडिकली मतलब पीरियोडिकली के साथ 7 दिन बाद, 8 दिन, 8 दिन बाद जो है उसको चेक करना पड़ता है, ठीक है। समझ आ गई इस क्लास की? कोई जी मैम, जी मैम, क्वेश्चन क्वेश्चन बताएं? सबको समझ आ रही है? हेलो, ये नेबुलाइजर समझ नहीं आया कि किस तरह ये सेकिंग करता है, इस पे थोड़ा बात करें तो अच्छा है। अच्छा, नेबुलाइजर। नेबुलाइजर चिकुम ने कहना था मशीन के लगे दली विटिक शुम टच मशीन के लगे दली विकल चमुंगा मशीन ऑन को ने दिस अटैच वी कैपिलरी ट्यूब साटेज हुई कैपिलरी ट्यूब पर सर अटैच हुई, ठीक शुआ। न्यूचिकला मशीन ऑन को और ददी सक्शन वाला बटन उवा खू, ठीक शुआ। नो अगर कैपिलरी पर ट्यूब बांधने ददी नेबुलाइजर सर अटैच हुई कैपिलरी ट्यूब दागे सो की सक्शन ओके, ठीक शुआ, आगे सकिंग ओके, ठीक दा। और अगर फाइन स्प्रे के चदी मतलब उस बिया फर्दर मख के चदी सकी प्रोवाइड की, अगर कम सक्शन होगी अगर फाइन स्प्रे की जैसे कि मख के प्रोवाइड की पर मिक्सर के, ठीक शु, कम से किसी रहती मिक्सिंग की, ठीक शु जी मैम, जी। पूछे अच्छा, ये देखें जो चैटिंग है सब मैं प्रेजेंटली के शाबा मैंने यहाँ से ही पिक्चर लेनी है कि अगर कोई प्रेजेंट है तो मैं यहाँ से ही स्क्रीनशॉट लूंगी, ठीक है। क्योंकि जो क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो चैटिंग में भी प्रेजेंट है, सही है। वैसे मैंने जो है स्क्रीनशॉट नहीं लेना इस तरह। मैम जी, सर बोले। जी, क्लास लेफ्ट का बोले इशू जी आओ, इतना 8 इंच लगी दो अभी दिल्ली की। ओके मैम, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
ओके मैम, अल्लाह हाफिज़।